नमस्कार, आप देख रहे हैं विजन न्यूज में आपके साथ निधि पांडे। आइए शुरुआत करते हैं आज की खबरों से। बंद भारत से हूँ, मोदी सरकार की जय, भाजपा के सरकार की जय, पांचों की निकल गए हमारे जय हूँ, भक्त भगवान वर्दीधारी भगवान की जय, धरती माता भगवान की, भारत देश धरती माता भगवान की जय, देश विदेश की जय हूँ। शंकर भगवान भाई पार्वती की जय। आइए बधाई दे दें आपको, हम भी ढेर सारे गुरु जी सब बताती है भाई। एक 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 जीत इन लोगों का है, मेरा नहीं है। एक पहले कहते कि ग्रुपिंग लेना है, पहले कहते समाज रत्नाकर जी को बताएं कि आपने मंत्री को हराया है, तीन बार से वो यहाँ पे विधायक है, जीत का श्रेय किससे आप देना चाहेंगे? जीत का श्रेय सबसे बड़ा माननीय नरेंद्र मोदी का है, जिन्होंने विकास चौबगला किया है और उसके लिए इन्होंने जो खराब काम किया है, रोड नाम का कोई चीज नहीं रहा, जनता यहाँ एकदम परेशान है गुंडागर्दी से और हमारे साथ जनता आई, जनता की ये जीत है, मेरी जीत नहीं है। तो आप ये जो विधायक ये जो प्रत्याशी घूमे भी होंगे, पूरे क्षेत्र में घूमे होंगे, आपकी प्राथमिकता किन योजनाओं के लिए होगी कि वो योजना लेकर आए? सबसे बड़ा योजना मेरा पीतल उद्योग है, किसी जमाने में मिर्जापुर पीतल परम वैभव को प्राप्त था, किसी कारण की वजह से आज देखिए एकदम धरातल में चला गया, मुझे पीतल उद्योग पुनः चमकाना है। अच्छा, आप पुरोहित कार्य से भी जुड़े हुए हैं, कई लोगों को दर्शन पूजन कराना धर्मार्थ कार्य भी है, ऐसे में ये अनुमान लगाया जाए धर्मार्थ मंत्री भी आप बनने वाले हैं, तो क्या इस पे क्या? इसमें मेरा कुछ नहीं है, पार्टी जो मुझे देगी उसको हम स्वीकार करेंगे, पार्टी ने हमारे ऊपर विश्वास किया, मुझे यहाँ ले आया, पार्टी का ये मेरा कोई सोच नहीं है अलग से। शंकर भगवान भाई पार्वती की जय। अनुराग जी ये बताइए कि इस बार क्लीन स्वीप प्रदेश में आप लोगों ने किया है, आप ये बताइए कि इस जीत के लिए किसको आप मेन हकदार मानते हैं? निश्चित रूप से जो उत्तर प्रदेश की जनता थी वो सपा और बसपा के क्रियाकलापों से त्रस्त थी और पूरी तरीके से उसका विश्वास था कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक गरीबों के लिए और स्वच्छ सरकार दे रही है, जिससे लोग लाभान्वित हो रहे हैं, उससे निश्चित रूप से जो प्रदेश की जनता थी उसका पूरा विश्वास भारतीय जनता पार्टी पर था कि एक तरीके से ये सरकार आएगी और गरीबों के लिए एक कल्याणकारी योजनाएं लेके और एक स्वच्छ सरकार उत्तर प्रदेश में दे सकती है भारतीय जनता पार्टी। पिताजी आपके मंत्री रहे हैं तो क्या लगता है कि चुनार को इस बार फिर मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी? ये हमारा शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। आप इस जीत का श्रेय किसे देंगे? चुनार की जनता को, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं। शंकर भगवान भाई पार्वती की जय।
पिता जी ये बताएं, जीत का श्रेय किसको देंगे ये जिस तरीके से जीत हुई है? जी मैं इसका श्रेय भारतीय जनता पार्टी और मजमा की दावत तो मतदाता करूँ। तो क्या आप मानती हैं कि ये मोदी लहर थी या फिर एक एंटी इनकन्वेंसी रमेश बिंद के खिलाफ जो की काम दी भाजपा की? ये मोदी जी का ही सब कुछ श्रेय जाता है इस चुनाव के इसमें। अच्छा, अंतिम वक्त में परिवार भी आपके खिलाफ खड़ा हो गया था, तो उसको क्या आप मानती हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है, सास ने आपके आरोप लगा दिए थे अंतिम वक्त। बिल्कुल नहीं। क्या उसका असर पड़ा चुनाव? गलत चीज़ें हैं ये सब चीज़ें, बिल्कुल गलत चीज़ें। मतलब चुनाव में आप श्रेय पूर्ण रूप से मोदी के ही बेब को देंगे? जी, पूरी जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी है और मजमा। अच्छा, आप जीती भी हैं वहाँ से मजमा से, तो आपने क्षेत्र में घुमा भी होगा, किन किन समस्याओं को आप वहाँ पहले प्राथमिक तौर पे आप एज ए विधायक वहाँ से उठाना चाहेंगी कि वो समस्या? सारे विकास के मुद्दे, जो भी चीज़ें हैं विकास के लिए, जितने भी कार्य हो सकेंगे, सड़क है, बिजली है, पानी है, पुल है, जो भी चीज़ें हैं वही सारी प्राथमिकता रहेंगी और रही हैं। राहुल जी, रोल। जीत का श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? हम 96 विधानसभा के देवतुल्य जनता और हम लोगों के भारतीय जनता पार्टी अपने दल के राष्ट्रीय नेतृत्व एवं सर और हम लोगों के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, इन सब के आशीर्वाद से हमें विजय श्री मिली है और विशेषकर इन यहाँ के भारतीय जनता पार्टी एवं अपना दल के कार्यकर्ता, उनको भी हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, उनका भी बहुत खुशी से। 96 में आपका प्रथम दायित्व क्या रहेगा, किस चीज़ को आप पहले सही करना चाहेंगे? मैं सर्वप्रथम वहाँ मेरा विशेषकर क्षेत्र पेयजल से बहुत पीड़ित है, पेयजल की समस्या और सिंचाई की समस्या को दूर कराने का हम पूर्ण प्रयास करेंगे। हम अपने प्रदेश नेतृत्व और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व से अनुरोध करके और सड़कों की बदहाल स्थिति को सुधारने का प्रयास करेंगे और शिक्षा का स्तर बढ़ाने के लिए प्रयास करेंगे। देखिए मणिहान कई बार से उपेक्षित रहता था, अलायंस में सीटें जाती थी, कार्यकर्ता एकदम निराश हो जाता था, मायूस हो जाता था, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और माननीय अमित शाह जी राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं का जो एक संगठन बना और हमारे माननीय जिला अध्यक्ष जी श्री बालेंद्र मणि त्रिपाठी के नेतृत्व में मणिहान का संगठन बहुत शानदार बना और कार्यकर्ताओं का जो उत्साह था और माननीय नरेंद्र मोदी जी का जो कार्य था, इससे मणिहान की को बहुत भारी मतों से जीत मिली है। दुगने से ज़्यादा मतों के अंतर से आपने जीत दर्ज की है, तो क्या कहना चाहेंगे, इस जीत का श्रेय किसको देंगे आप? माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देंगे। जनता का क्या इसमें आप कहेंगे? जनता का भी है, हम लोग भी थे, लेकिन जनता वहाँ मोदी मैं था, उसका भी मुझे लाभ मिला है कि मोदी जी के विकास और मोदी जी का जो भारतीय राजनीति में मतलब पूरे विश्व में पहचान बनी है, जनता बखूबी उसको समझी। आपने वादा किया था कि अगर मैं जीतता हूँ तो मैं चतुर्मुखी विकास करूँगा, निश्चित करूँगा। 2019 के पहले मणिहान को वहाँ की सिंचाई और सड़क दुरुस्त करूँगा और सिंचाई व्यवस्था भी बहाल करूँगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं विजन न्यूज़, में आपके साथ निधि पांडे। आइए शुरुआत करते हैं आज की खबरों से।